गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट के अंदर थर्ड यूनिट तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें एक लेसन बचा है। अब हम जो नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है उसी बुक में फर्स्ट यूनिट में आपको मैंने प्रॉन आपकी क्लास में डिस्क्राइब कर दिया था। अब उससे नेक्स्ट जो लेसन है वो है पेलिमनियंस, यानी स्कॉर्पियो, बिच्छू की हम स्टडी करेंगे। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने प्रोटोजोआ से लेकर एनिलिडा तक के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स थे, जैसे प्रोटोजोआ की बात करें, जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा था, एंट अमीबा था, यूग्लिना था, पैरामेसियम था, लिस्मानिया था, ट्रिपिनोसोमा था, ठीक है, प्लाज्मोडियम था, इनका हमने स्टडी की थी। पोरिफेरा में हमने साइकोन की स्टडी की थी, ठीक है, ल्यूकोसोलेनी की स्टडी की थी, सिलेंट्रेटा के अंदर हमने जैसे ओरेलिया की स्टडी की थी, हाइड्रा, ठीक है। तो ऐसे सारे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं। टीनोफोरा के अंदर हमने जो की थी स्टडी, और बेरोई है, प्लेटेलमेंटिस में हमने फेसल हेपेटिका, टीनोसोलियम की स्टडी की थी, एस्केलमेंटिस में एस्केरिस की स्टडी की थी। अगर हम एनलेडा की बात करें तो हिरुडिनेरिया की स्टडी की थी, अर्थवर्म की स्टडी की थी, हिरुडिनेरिया की स्टडी की थी। अब उसके आगे जो आता है आपका है आर्थ्रोपोडा। कौन सा फैलम आएगा उसमें? आर्थ्रोपोडा। सेम वैसे ही स्टडी करनी है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद में इसका हैबिट और हैबिटेट पढ़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़नी है, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी है, उसकी एलिमेंट यानी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, उसका नर्वस सिस्टम पढ़ना है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। इन सब की स्टडी हम करेंगे प्रत्येक एनिमल्स की, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की सिर्फ। यहाँ पर हमने प्रॉन पढ़ चुके हैं पहले अपने क्लास में। अब हम ऑनलाइन स्टडी के अंदर हम नेक्स्ट जो अपना है वो है स्कॉर्पियो सेकेंड, ठीक है। इसे पेलिमनियस भी बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में किसकी स्टडी करें? स्कॉर्पियो की, बिच्छू, ठीक है। क्लास है आर्किनिडा, ठीक है। और अगर इसके ऑर्डर देखें, स्कॉर्पियोनिडा, ठीक है, स्पीसीज देखें पेलेमनियस, पेलेमनियस, स्वेमेडनी, ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। देखो, आर्थ्रोपोडा के सभी सदस्य द्विपार्श्व सममिति रिप्रेजेंट करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन बताऊं पहले मैं, आर्थ्रोपोडा के जितने भी सदस्य होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। सभी सदस्य ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म, तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। शारीरिक संगठन उत्तक अंग स्तर का होता है। कैसा होता है? शारीरिक संगठन उत्तक अंग स्तर का होता है। इनमें संधि, आर्थ्रोपोडा जो नाम पड़ा है वो संधि, आर्थो का मतलब था संधि और पोडा का मतलब था उपांग। आर्थ्रोपोडा के सदस्य में संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, जॉइंटेड। इन पर क्यूटिकल का बाहर एक आवरण होता है, क्यूटिकल एनवलप, ठीक है। और इन जंतुओं में स्थलीय और वायवीय श्वसन पाया जाता है,
कौन से पाया जाता है? स्थलीय और वायवीय सबसन पाया जाता है, और उत्सर्जन के लिए इनमें मेलफेजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है एक्सक्रेशन के लिए। उत्सर्जन के लिए इनमें क्या पाई जाती है? मेलपिगी नलिका या मेलफेजियन ट्यूब्यूल्स इनमें प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। स्कॉर्पियो की अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, या उससे पहले इसका हैबिट और हैबिटेट, आवास और स्वभाव की अगर बात करें, तो जो बिच्छू होता है, बिच्छू गर्म परिवेश में पाया जाता है, जो हॉट एरिया होते हैं, ठीक है, उस जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। ये रात्रि के समय ही बाहर निकलते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, मतलब नाइट के अंदर ही अपने बिलों से ये जो पत्थर की दीवारें होती है उनसे बाहर निकलते हैं, और ये शिकारी प्रवृत्ति के मांसाहारी जंतु होते हैं, अर्थात ये कार्निवोरस होते हैं और शिकार खुद करते हैं। ये रात्रि में कीटों को और मकड़ियों को पकड़कर खा जाते हैं, अतः इन्हें रात्रिचर शिकारी प्रवृत्ति के प्राणी का स्वभाव है। आवास तो क्या है? गर्म परिवेश में रहते हैं। स्वभाव क्या है? कि ये कार्निवोरस है, रात्रिचर है, और ये कीटों को और मकड़ियों को नाइट के अंदर पकड़कर खा जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स की, इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर इनका शरीर आप देखोगे तो शरीर लंबा सकरा खंड युक्त चपटा होता है, ठीक है ना, पृष्ठ की तरफ गहरा और अधर की तरफ, यानी ऊपर वाली सरफेस तो डार्क कलर की होगी, नीचे वाली सरफेस क्या होगी? लाइट कलर की होती है। और बिच्छू के शरीर को संरचना की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। अग्र भाग को बोलते हैं प्रोसोमा, प्रोसोमा, और प्रोसोमा को हम सी फेलो थोरेक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सी फेलो थोरेक्स भी इसको हम कह सकते हैं, जिसे सी फेलो थोरेक्स को हिंदी में बोलते हैं सिरो वक्स, सिर और वक्स, और प्रोसोमा को बोलते हैं अग्रकाय, यानी शरीर का जो आगे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं अग्रकाय या सिफिलोथोरेक्स। सिफिलोथोरेक्स दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसका हिंदी में देखोगे सिरो वक्स अर्थात सिर प्लस वक्स, ये दोनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं? आगे का पोर्शन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये शरीर का अग्र भाग चपटा होता है। इसके भाग क्या होता है? चपटा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिरो वक्स। ये पूर्व मुखी, ठीक है, और पश्चिम, यानी छह खंडों से मिलकर बना होता है। आगे की तरफ एक खंड होता है, उसके पीछे की तरफ कितने खंड होते हैं? छह खंड होते हैं, और इसकी पृष्ठ सतह पर काइटिन की बनी हुई अर्ध यानी चतुर्भुज आकार की परतें पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केरापेज। इसको क्या बोलते हैं? केरापेज। देखो हम इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपके सामने, स्ट्रक्चर में देखो ऐसे, ये इसका आगे वाला पोर्शन है, ये लेटरल आईज है, और ये मिडल आईज है। ये क्या है? मिडल आई। इसे बोलते हैं हम मीडियन आई, और ये है जो लेटरल आई, ठीक है, और इसके आगे की तरफ ऐसे खंडों में बने हुए
ठीक है, ये प्रोसोमल पोर्शन है, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, ठीक है। ये फाइव सेगमेंट्स होते हैं इसमें, लास्ट में मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं इसमें, प्रोसोमा मीजोसोमा और मेटासोमा यानी सिफिलोथोरेक्स और एब्डोमेन दोनों पोर्शन बना रहा हूं, ठीक है ना। ये एम्पुला है, ये स्पाइन है काटा, ठीक है। ये पोर्शन इसका प्रोसोम और ये जो नीचे वाला है ये है यहां से लेकर यहां तक है मीजोसोमा और ये 1 to 5 है मेटासोमा। इस प्रोसोमा को तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सीफेलो थोरेक्स भी बोल सकते हैं और ये दोनों पोर्शन मिलकर ये बनाते हैं एब्डोमेन। क्या बनाते हैं? एब्डोमेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक स्कॉर्पियन की स्ट्रक्चर है, ये वॉकिंग लेग्स है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम देखो इसके अग्र में एक पूर्व मुखी और छह पश्चिम खंडों से मिलकर पोर्शन कौन बनाता है? प्रोसोम। पृष्ठ सतह काइटिन की बनी हुई चतुर्भुजाकार परतों से बने हुई केरापेज, किससे ढका होता है? केरापेज से ढका होता है। केरापेज की पृष्ठ सतह पर इस केरापेज ये इसमें छह खंड एक और एक खंड एक होता है। जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर एक खंड तो आगे की तरफ होता है, बाकी के छह खंड इसके अंदर होते हैं और छह खंड इनके सभी खंडों के ऊपर काइटिन का बना हुआ चतुर्भुज आकृति की काइटिन की प्लेटें होती हैं जो किसका फॉर्मेशन करती है? केरापेज का। किसका फॉर्मेशन करती है? केरापेज का फॉर्मेशन करती है। और इस केरापेज के मध्य में मीडियन आई पाई जाती है, एक जुड़ी क्या पाई जाती है? मीडियन आई, ठीक है। और साइड के अंदर अग्र पार्श्व सतह पर 2 से 5 जोड़ी अग्र पार्श्व सतह, पार्श्व सतह होती है ये साइड वाली, इस साइड वाली जगह पे 2 से 5 जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। और इसका जो आगे वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये हिस्सा है आगे वाला, इसकी अग्र में अदर सतह पर यहां पर माउथ होता है, इसमें अदर सतह पर नीचे वाली सतह पर एक छोटा सा माउथ प्रेजेंट होता है और अग्र भाग में 4 जोड़ी चलन टांगी पाई जाती है। कितनी जोड़ी टांगी पाई जाती है? 4 जोड़ी चलन टांगी। ये तो होगी बात किसकी? प्रोसोमा की।
अब बात आती है एब्डोमेन की। एब्डोमेन कितने भागों में से मिलकर बना होता है? दो भागों में, मीजोसोमा और मेटासोमा। मीजोसोमा स्वयं कितने भागों से मिलकर बना होता है? सात खंडों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एब्डोमेन का यह अग्र भाग चौड़ा होता है और यह प्री एब्डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री एब्डोमेन। आगे की तरफ चौड़ा लेकिन पीछे की तरफ क्या होता जाता है? धीरे धीरे संकरा होता जाता है, ठीक है। ये कितने खंडों से मिलकर बना है? सेवन सेगमेंट्स, सात खंडों से, ठीक है। ये सात खंडों से मिलकर बना होता है और एब्डोमेन के खंडों में उपांगों का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? अपेंडिसेस का अभाव होता है। अब आता है पोस्ट एब्डोमेन, इसकी बात आती है, इसे मेटासोमा कहते हैं। यह शरीर का पिछला पतला बेलनाकार भाग होता है, ठीक है, और ये काइटिन की बनी हुई वलय रिंग होती है, उससे ये पार्ट ढके हुए रहते हैं। पांचवा खंड, ये पांचवा खंड है, पांचवें खंड की अदर सतह पर एनस छिद्र पाया जाता है। इसकी जो अदर सतह होती है तो यहां पर इसमें क्या पाया जाता है? एनस, गुदा छिद्र। और जब भी बिच्छू चलता है तो इस पीछे वाले मेटासोम पार्ट को ऊपर करके ही चलता है, ठीक है। और इसके आगे वाला जो पोर्शन होता है उसे एम्पुला कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पुला। और इस एम्पुला के अंदर एक जोड़ी विष ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विष ग्रंथियां, जो इस स्पाइन के अंदर खुलती है। जब भी कोई भी बिच्छू किसी को काटता है तो इसी पोर्शन से काटता है और इसी के द्वारा ये विष उस व्यक्ति में इंजेक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बॉडी दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है, सिफिलोथोरेक्स और एब्डोमेन। सिफिलोथोरेक्स को हम प्रोसोमा बोलते हैं, जो कितने खंडों से मिलकर बना हुआ है? छह, एक खंड होते हैं और एक आगे की तरफ। इसी तरह से एब्डोमेन को दो भागों में बांटा गया, मीजोसोमा और मेटासोमा। मीजोसोमा के अंदर कितने खंड होते हैं? सेवन सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेटासोमा में कितने होते हैं? पांच खंड होते हैं। तो ये तो इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब बात आती है इसकी एलिमेंट्री के नाम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं इसे। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो इसका डाइजेस्टिव पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां, ठीक है। और अगर इसकी सबसे पहले बात करें हम एलिमेंट्री कैनाल की, किसकी बात करें? एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल निम्नलिखित पार्ट्स यानी माउथ से प्रारंभ होती है और एनस तक जाती है। कहां से प्रारंभ होती है? माउथ से लेकर एनस तक जाती है। इसके कई पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे प्री ओरल कैविटी, सेकेंड है मिड गट, फोरगट, जो माउथ से प्रारंभ होकर ये जाती है ईसोफेगस तक। माउथ से स्टार्ट होकर ये ग्रसिक ग्रास नाल तक जाती है। फिर बात आती है थर्ड मिड गट, थर्ड कौन सा है पोर्शन? मिड गट। और मिड गट की अगर बात करें, इसको मिड गट को क्या बोलते हैं? मध्य आंत्र, और लास्ट में आती है हाइंड गट। ये तो है एलिमेंट्री कैनाल के चार पोर्शन, माउथ से लेकर एनस तक।
इसके बाद में इसमें आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या आती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें तो उधर यानी एब्डोमिनल कैविटी में भूरे रंग की लोब युक्त ग्रंथिल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लीवर या यकृत अग्नाशय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? यकृत अग्नाशय, जिसे हम काइलेंट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काइलेंट्रॉन। ये पांच जोड़ी वाहिकाओं द्वारा आंत्र में खुलती है। किसमें खुलती है? पांच जोड़ी वाहिकाओं द्वारा आंत्र में खुलती है और ये वाहिका यकृत वाहिकाएं कहलाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसका एलिमेंट्री यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम नेक्स्ट क्लास में इसका हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके फूड और फीडिंग की भोजन क्या क्या है। भोजन का तो आपको मालूम है कि मांसाहारी कीड़े मकड़ियों को खाता है। किस प्रकार से फीडिंग करता है उसकी पूरी प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जय हिंद।